देखिए, नज़रबंद की स्थिति तो कल रात को 2 बजे से ही हो गई है। 2 बजे रात को हमको रिपोर्ट की गई कि चारों तरफ से मटको पुलिस वालों ने घेर लिया है और तब से अभी तक घेरे ही हुए हैं। अभी जब हम लोग निकल रहे थे तो आपने देखा कितनी सारी पुलिस आकर के खड़े हो गए, बिल्कुल बाहर निकलने ही नहीं दी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब वाराणसी की ज्ञानवापी को लेकर चर्चाओं में बने हैं। बनारस पहुंचे शंकराचार्य एक ऐसी जिद पर अड़ गए कि प्रशासन को उन्हें नजरबंद करना पड़ा। अभी जब हम लोग निकल रहे थे तो आपने देखा कितनी सारी पुलिस आकर के खड़े हो गए, बिल्कुल बाहर निकलने ही नहीं दिए। दरअसल ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा ढांचे से पहले वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। एएसआई को वहाँ हिंदू मंदिर होने के प्रमाण भी मिले हैं। अब इसके बाद हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहा है। इसी कड़ी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की परिक्रमा करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने उनके आश्रम के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद हंगामा होने लगा। वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना? क्यों नहीं होती है? रोज होती है वहाँ, रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्म में, रोज वहाँ पर सनातन धर्म में परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, अनुमति नहीं है, अनुमति हमको, हमारा धर्म, हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? शंकराचार्य ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की परिक्रमा करना चाहते थे। ये वही प्रतिबंधित एरिया है जहां पर किसी को जाने की इजाजत तक नहीं है। अब शंकराचार्य जिद पर अड़े तो प्रशासन ने उन्हें के आश्रम में नजरबंद कर दिया। देखिए, नज़रबंद की स्थिति तो कल रात को 2 बजे से ही हो गई है। 2 बजे रात को हमको रिपोर्ट की गई कि चारों तरफ से मठ को पुलिस वालों ने घेर लिया है और तब से अभी तक घेरे हुए हैं। कब से आपको अपने इस मठ के बाहर जाने से रोका गया है? देखिए, हमको तो कल ही कह दिया गया था कि आप नहीं जाइए, और हमने कहा कि भाई आप हमको रोकने का कारण बता दीजिए, तो रोकने का कारण भी नहीं बता रहे हैं और रोक रहे हैं। रात को 2 बजे से पुलिस ने मठ को घेर रखा है, अभी तक भी घेरे हुए हैं। अभी जब हम लोग निकल रहे थे तो आपने देखा कितनी सारी पुलिस आकर के खड़े हो गए, बिल्कुल बाहर निकलने ही नहीं दिए। अभी हमने बार बार पूछा, पहले तो कहा जा रहा था बस आप जा नहीं सकते, बस ऐसे ही कहा जा रहा था, लेकिन हमने बार बार बड़े अनुरोधपूर्ण स्वर में पूछा कि भाई हमें कारण बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि 144 धारा वहाँ लगी है। तो हमने कहा 144 धारा 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। उन्होंने कहा नहीं, 144 है वहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, हम दो लोग अनुमत आज जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप परमिशन लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, आप अधिकारी हैं तो हम परमिशन सीख कर रहे हैं। तो हमने अभी परमिशन के लिए पत्र बनवा दिया है, वो लेकर के जा रहे हैं, हम परमिशन मांगेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि वो ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की बाहर से ही परिक्रमा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। पुलिस ने उनको उन्हीं के वाराणसी के सोनारपुरा इलाके में बने आश्रम में नजरबंद कर दिया और उनके आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब शंकराचार्य ने बाहर जाने की कोशिश की तो पुलिस फोर्स ने उन्हें घेर लिया। वजह पूछने पर पुलिस ने धारा 144 बताई। अब शंकराचार्य का कहना है कि वो चाहे परमिशन लेकर ही जाएंगे, लेकिन ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की परिक्रमा जरूर करेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।